आस्तीन का सांप, आरामखोर साला अपने बहन का कत्ल कर दिया, आज साले तुझको सजा मिलेगी। बाबू साहब का कहना है कि तुझे मार करके तेरा आंख और कलेजा निकाल करके उनके सामने डालना है, आज साले मैं तेरे को काट डालूंगा। ए मुन्ना छोटू, अरे तू तो मुझे जानता है रे मुन्ना, क्या तेरा भाई ऐसे कर सकता है? ले तू मुझे मार दे मुन्ना। मारूंगा, मुझे मार दे। मारूंगा, मार। इधर से न मारब, इधर दिशा सूल परत बा। जल्दी से उधर मुड़ी कर उधर करके काटूंगा। अब इसको काट, ये मुझसे नहीं होगा भैया। भैया आप मेरे भाई हैं, भाई साहब जैसे आप गरीब हैं वैसे मैं भी एक गरीब हूँ भैया। भैया एक गरीब ही एक गरीब का समझ सकता है भैया, वो क्या समझेंगे भैया, वो तो महलों में रहने वाली है भैया, वो नहीं समझ सकते भैया। मैं जान रहा हूं भैया कि आपने 50,000 पैसे चोरी नहीं किए हैं, आपने अपनी बहन का कत्ल नहीं किया है भैया। भैया मुझे माफ कर दो, छिर गया और मेरी बहन मुझे छोड़ करके चल गई। मैं जीने से अच्छा ही समझ रहा हूँ कि मेरी मौत हो जाए। क्या करोगे भैया, कहाँ गया है ए गरीबी तन बस्ती, भूखमरी देखी नहीं जाती, लुटेरे लीडरों की लीडरी देखी नहीं जाती, हम उनके महलों को देखते हैं नेक नजरों से, उनसे हमारी झोपड़ी देखी नहीं जाती। तू अगर मुझे नहीं मारेगा तो महल के रहने वाले तुझे क्या सजा देंगे क्या? नहीं भैया, ये जंगल का वाकिया है, जंगल का इलाका है भैया, मैं किसी जानवर को मार करके उसका आंख और कलेजा लेकर के उसको दूंगा? वो एक इंसान है, कोई डॉक्टर नहीं है जो उसको चेकअप करेगा भैया। लेकिन मेरे भाई तुमसे हाथ जोड़ के विनती है भैया कि भैया मैं आपको छोड़ रहा हूं भैया, यहां से इतनी दूर चले जाना भैया, जहां से लौट करके कभी मत आना मेरे भाई। अगर लौट के आना तो उस लायक बन के आना भैया के हराम खोर इन हस्तियों को मिटा देना भैया, नहीं तो भैया तू कहता है मुन्ना
तो आज के बाद तेरा भाई। मैंने अपनी आंखों में आंसू तो अपनी बहन की वजह से लाके आंखों में मेरे आंसू आ गया, लेकिन आज के बाद तेरा ये भाई सीधा यहाँ चम्मल जाएगा। आज के बाद इन हस्तियों को मिटाने के लिए मेरे पास, जब तक मैं उस लायक नहीं हो जाऊंगा, लौट करके कभी नहीं आऊंगा। लेकिन तेरी याद तो मुझे बहुत ताकत देती है। क्या करोगे भैया? एक गरीब आदमी मैं बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं। लेकिन आज के बाद तेरा भाई जब लौट करके आएगा, एक हस्ती बन करके आएगा, जब तक इन हस्तियों को नहीं मिटा देगा। हाँ भैया। ए भैया, मेलम मालिक भैया, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक, या रब मुझे तू साहिब ईमान बना, उनकी जिंदगी बना रहे। ईश्वर से ही दुआ करता हूं कि उनके बीवी बच्चे हमेशा सलामत रहे।
सबसे पहले आए हमारे नौटंकी के कला प्रेमी भाई, ओम माताएं बहनों, हमारी तरफ से हमारी पूरी पार्टी की तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। साथियों, इससे बेहतर इससे मुनासिब मैं समझता हूँ कि मैं आप सबको एक क्यों ना बता दूं कि कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हो, और इसी के साथ साथ बाबू मेरे परिवार में कितने सदस्य लोग रहते हैं। सादिया बांदा शहर गांव रतनपुर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरे पास दो बच्चे हैं। बेटी का नाम ज्योति है और बेटे का नाम विनोद है। परमात्मा ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं दिया है साथियों, दौलत सब कुछ दिया है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस हमेशा रहता है कि जो मेरी बेटी है, परमात्मा ने उसके आंखों में रोशनी इसी के कारण मैं हमेशा मजबूर रहता हूं दोस्तों, और मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं। नौकर है, चाकर है, धन है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, लेकिन जिस वक्त इन दोनों बच्चों का जन्म हुआ, कुछ दिनों के बाद मेरी धर्म पत्नी का साथियों स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास होने के बाद दो तीन माह जब बीत गया तो मुझे गांव वाले कहने लगे कि अरे राजेश, तू इस तरीके से कैसे रहेगा, तेरे बच्चों की परवरिश किस तरीके से होगी, अगर तू हम सबकी बात को मानो तो क्यों ना अपनी दूसरी शादी रचा लो। साथियों, मैं गांव देश के कहने से मैंने अपनी दूसरी शादी रचा लिया। मेरी धर्म पत्नी का नाम साथियों गंगा देवी है, और इस वक्त वो अपने नैहर में गई है। साथियों, चलता हूं यहां से, अपने बच्चों से मुलाकात करूंगा, अपने बीबी से मुलाकात करूंगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा आगे क्या होता है और क्या नहीं होता है। छूटे उम्मत का सपीना, मदीना वाले मदीना वाले।